एग्जांपल्स ऑफ मिक्स मेथड डिजाइन, मकसद ये एग्जांपल से कहने का कि यू शुड नो एंड यू शुड साइट इफ लास्ट स्टडी इस तरह की हो चुकी है। अभी कोई भी एग्जांपल आप इसमें मिलती है जरूर साइट करें, सारी चीजें आपके पास अवेलेबल होगी। रीजन आइडेंटिफाई कॉमन लैंग्वेज एंड डिजाइन, साइट एग्जांपल इज प्रपोजल एंड रिपोर्ट, लर्न अबाउट प्रोसीजर, एंटीसिपेट चैलेंजेस एंड मॉडल्स फॉर रिपोर्टिंग। तो अल्टीमेटली हमारे पास एक बेस पेपर हो ना, हम उसकी बेस पेपर सारी स्टडी को दोबारा से कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उस तरफ जाने से पहले जो जरूरी है, ये तमाम स्टडीज है एक सिस्टम इस्तेमाल करती हैं यूजिंग टूल टू डिस्क्राइब मिक्स मेथड डिजाइन। वो दो किस्म के हैं, एक है प्रोसीजरल डायग्राम, एक है नोशन सिस्टम। अब नोशन सिस्टम क्या होता है उसके ऊपर बात करते हैं। ये नोशन सिस्टम डेवलप किया गया था, इसको हम आगे बताते हैं डेप्थ में। ये मोस्ट ने 1991 और फिर 2003 की बुक के डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब किया। ये नोशन सिस्टम को जो समझिएगा ये आपको बड़ी हेल्प करेगा जब पेपर पढ़ेंगे। अगर तो ये देखें ना, क्वाल KOUAL एग्जाम्पल में देते हैं, ये क्वाल ये कैपिटल लेटर में है। अगर ये कहीं पे भी कैपिटल लेटर में लिखा होगा ना क्वाल या क्वाल, इसका मतलब उस स्टडी का मेजर फोकस जो है ना वो वाला, उसका प्राइमरी मेथड वो है। अगर वो स्मॉल लेटर में होगा उसका मतलब उसका वो सप्लीमेंट मेथड है, लेसर प्रायोरिटी है। इट मीन अगर एक स्टडी बड़ा क्वान और छोटा क्वाल लिखती है ना, इसका मतलब उसका मेजर फोकस क्वांटिटेटिव पे है और कम फोकस क्वालिटेटिव पे है। ये जहन में रखिएगा। अपर केस का मतलब है मिक्स मेथड में ये स्टडी मेजर फोकस किसकी तरफ है, क्वांटिटेटिव की तरफ है, या अगर क्वालिटेटिव क्वाल है तो क्वालिटेटिव की तरफ, माइनर फोकस दूसरी स्टडी की तरफ है। तो उसमें अपर केस और लोअर केस होगा। अगर किसी जगह पे वो प्लस का यूज करता है क्वांट प्लस क्लॉज, इसका मतलब ये कॉन्करेंट मेथड है, इसमें दोनों का फोकस इक्विवेलेंट है। ऐसा डिजाइन जिसमें क्वांट प्लस क्वाल का जिक्र हो, इस तरह लिखा जाए, वो टर्म यही यूज करेंगे, इसमें मतलब इसमें जो मिक्स मेथड का डिजाइन है वो कौन सा है, कॉन्करेंट है। अगर तो डायरेक्शन को शो करे फिर वो डायरेक्शन बताएगी कि उसका सिक्वेंशियल मेथड है। उसका क्या मतलब है, फिर बड़े छोटे लेटर तो बताएंगे प्रायोरिटी मेथड कौन सा है, एरो बताएगा सीक्वेंशियल मेथड है, प्लस सिंबल बताएगा कि उनका कॉन्करेंट डिजाइन। और उसके बाद अगर ब्रैकेट में चले जाए तो एम्बेडेड डिजाइन होगा। क्या डिजाइन होगा, मतलब क्वांटिटेटिव मेजर फोकस था, थोड़ा सा पोर्शन क्वालिटेटिव पे डिस्कस हुआ, और ये वाला डिजाइन कौन सा है, एम्बेडेड डिजाइन है। क्लियर हो गए। और अगर दोनों एरो आपस में मिल रहे हो तो वो रिकर्सिव मीन का ऐसा स्टाइल है कि जिसमें दोनों स्टडीज को आपस में हम लोगों ने मिलाया है, कि लॉन्गिट्यूडनल टाइप स्टडी है जिसके अंदर आप लोग लॉन्गिट्यूडनल भी बोल सकते हैं हम इसमें, कि इसका मतलब ये है कि आपने जो दोनों स्टडीज एक दूसरे के साथ मिल रही हैं, दोनों अपने अपने ग्रेड ला के जो इसके अंदर मिल रही है, दोनों एरो आपस में लेके चल रहे हैं। ये नताशा टाल 2007 में यूज किया था। अगर आपकी सीरीज की स्टडीज है कि आपका मेजर फोकस क्वालिटी, आपका फोकस क्वालिटेटिव था सीक्वेंशियल, लेकिन फिर आपने क्वांटिटेटिव कनेक्ट की तो उसके अंदर आपने थोड़ी सी क्वालिटेटिव डिसीजन, आपने सीक्वेंशियल एम्बेडेड डिजाइन आपका बन देगा, सीक्वेंशियल एम्बेडेड डिजाइन बन देगा। और अगर आपका इक्वल का सिंबल आता है कि क्वांट मेजर फोकस था, स्मॉल फोकस क्वालिटेटिव था, तो एक्सप्लेन रिजल्ट्स जब आप लोग डेप्थ में कर रहे होते हैं कि आपने इक्वल के मीन आपने यहां पे एक मेथड इस्तेमाल किया और आपने जब एक्सप्लेनेशन की बात की, तो ये बोरस एंड निहास 2009 में उन्होंने यूज किया, उसमें ये डिजाइन को अप्लाई किया, वरना बेसिकली जो पहले 6 सिंबल 8 सिंबल वही यूज होते हैं। ओके, गाइडलाइंस फॉर ड्राइंग प्रोसीजर डायग्राम, इट्स अ नोशन सिस्टम, अब थी गाइडलाइंस फॉर ड्राइंग प्रोसीजर डायग्राम। ये वनकोवा एट ऑल 2006 में इसने किया कि आपने जब भी डायग्राम ड्रा करनी, सबसे पहले टाइटल द डायग्राम, चूज ए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लेआउट, ड्रा बॉक्सेस फॉर द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, यूज अपर केस एंड लोअर केस लेटर टू डेजिग्नेट द प्रायोरिटी, कि आपका मेथड कौन सा है, ये आपने प्रोसीजर फॉलो करना है। नेक्स्ट, यूज एरो टू शो द फ्लो ऑफ प्रोसीजर, स्पेसिफिक एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट और आउटकम, यूज कंसाइज लैंग्वेज, मेक द डायग्राम सिंपल एंड लिमिट टू सिंगल पेज। जब भी आपने मिक्स मेथड डिजाइन को शो करना है, ये दीज आर द स्टेप जो आप उसमें मेंशन कर रहे हैं। ओके रिव्यूइंग, अब ये बता दें नोशन सिस्टम और ये क्लियर क्लियर हो गया। अब अभी तक हम लोगों ने जो चीजें पढ़ी उन सबको रिव्यू करते हैं, जो हमने अभी तक सारी चीजें पढ़ी, कि सबसे पहले कॉन्टेंट का टॉपिक, क्लासिकल असम्पशन, थ्योरेटिकल फाउंडेशन, कॉन्टेंट पर्पस, क्वांटिटेटिव स्टैंड उसका सैंपल डेटा एनालिसिस, क्वालिटेटिव स्टैंड उसका सैंपल डेटा एनालिसिस आप एक्सप्लेन करना है। फिर आप रीजन फॉर कलेक्टिंग बोथ क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव, प्रायोरिटी जिसको दे रहे हैं क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव, टाइमिंग, पॉइंट ऑफ इंटरफेरेंस, हाउ टू वर्क द मिक्स मेथड डिजाइन, नोशन ऑफ द डिजाइन एंड प्रोसीजर।
टाइमिंग क्या है, कितने टाइम लगा, 6 माह में, 8 माह में, साल में, कितना क्वांटिटी पे, कितना क्वालिटी पे आपने फोकस किया है। क्लियर हो गया, ये चीजें हमने जो अभी तक चीजों को देखा है। तो यहां तक अब आपके पास तमाम नॉलेज है, तो आपको पता है कि हमारे कौन कौन से डिजाइन है। मीन के सबसे पहले कन्वर्जेंट डिजाइन था, फिर हमारा सीक्वेंशियल डिजाइन था, फिर एक्सप्लोरेटरी और एक्सप्लेनेटरी, फिर हमारा मल्टी डिजाइन था, मल्टी फेज डिजाइन, दरमियान में ट्रांसफॉर्मेटिव डिजाइन भी था। सब कुछ डायग्राम एक्सप्लेन करना है, कुछ डायग्राम बनानी जरूरी होती है, और नोशन सिस्टम का आपको पता होना चाहिए, मिक्स मैथड क्यों कर रहे हैं, सारा भी प्रो कॉन्स टेंथ, जितना मैक्सिमम इसको एक्सप्लेन किया जा सकता था चीजों को सम अप किया। अभी हम एग्जाम्पल के साथ चीजों को देखेंगे कि कौन कौन सी जो है पास्ट में एग्जाम्पल इसके ऊपर हो चुकी है। अगर मैं बात करूँ कन्वर्जेंट डिजाइन, जो हमने पहले डिजाइन डिस्कस किया था वेटिंग एटाल 2006 में, उसने एक पेपर पब्लिश किया, जो आपने बात की थी कि सेम लोगों से इंटरव्यू लेना है, वही किया, तो 48 को सेल्फ आइडेंटिफाई एज ए डिप्रेस्ड, डिप्रेशन, हेल्थ एंड डेमोग्राफी। मीन फोकस क्या है, क्वांट डेटा क्वाल डेटा दोनों मेजर फोकस में है, उन्हीं से हम लोगों ने सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू भी लिए, फिर उनके ऊपर एनालिसिस किया। उन्होंने कौन सा एनालिसिस किया, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक और ग्रुप कंपैरिजन क्वांटिटी डेटा पे, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक है ग्रुप कंपैरिजन, और यहाँ पे कॉन्स्टेंट कंपैरिजन करके थ्योरी ली, फिर दोनों को मर्ज किया, क्रॉस टैबुलेट क्वालिटेटिव डायलॉग विद क्वांटिटी वेरिएबल एंड इंटरप्रिटेशन दिया, कंसीडर हाउ मच रिजल्ट प्रोड्यूस अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। अब वो जो मैंने चीजें सारी की हैं वो सारी अब आपको सम अप होके इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिकल नजर आना शुरू हो गया। ये कन्वर्जेंट था, इसके बाद एक्सप्लेनेटरी, जिसमें पहला फोकस क्वांटिटेटिव का होता है और दूसरा फोकस आप लोगों का क्वालिटेटिव का। अब है तो एक्सप्लेनेटरी पर मेजर फोकस किस पे, उसको लिया, थीमेटिक किया, थ्योरी की, थ्योरी बनाई, उसका इंटरव्यू एक्सप्लोरेशन। क्लियर, एक्सप्लोरेटरी डिजाइन मायर्स एंड ऑटचल 2003, उन्होंने फोकस जो था मेन वो क्वांटिटेटिव पे है इसमें, तो इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट ने किया कि क्या किया, मैक्सिमम वेरिएशन सैम्पलिंग एंड 13 वन एंड वन सेमी स्ट्रक्चर इंटरव्यू। पहले आपने कोडिंग थीमेटिक डेवलपमेंट की, वहां से आपने थीम सेलेक्ट किए, उनको सब स्केल तैयार किए, फिर आप उस सब स्केल पे डेटा प्लॉट किया, 342 एम्प्लॉई, 4 इंस्ट्रूमेंट स्केल, लायबिलिटी इफेक्टिवनेस, ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद आपने उसको डिस्कस किया किस तरीके से क्वालिटेटिव डायमेंशन हेल्प की क्वालिटेटिवली इस प्रॉब्लम को हाईलाइट करने की बजाय। ठीक है, ओके, एक्सप्लोरेटरी डिजाइन आता है इसके इंस्ट्रूमेंट हम डेवलप करते हैं, लेट्स से हम अडॉप्ट कर लेते हैं जो इंस्ट्रूमेंट बनते हैं साइकोलॉजिस्ट को, ये कौन सी रिसर्च में क्वालिटी में क्वांटिटी, या ये दोनों से डिफरेंट तीसरी चीज है जी, ये एक्सप्लोरेटरी कि आप इसमें जब भी इंस्ट्रूमेंट डेवलप करना है ना, आप पहले इंटरव्यू करते हैं, इंटरव्यू होता है कि यार इस प्रॉब्लम को मैं जैसा एक काम करूँ, मेरा ये वाला डिजाइन है, मैं इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया बगैर आगे चल नहीं सकता, ये तो क्वालिटेटिव डिजाइन होते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट डेवलप करना पड़ेगा, उन चीज़ों को देखना पड़ेगा। ठीक, ओके, अब आपका था एम्बेडेड डिजाइन, क्वांटिटी भी क्वालिटेटिव है, दोनों में क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव के दरमियान में आपने क्वालिटेटिव का पर्सपेक्टिव डाल दिया, एम्बेड कर दिया उसके अंदर चीजों को लेके, तो लिंक क्वालिटेटिव डाटा विद क्वांटिटेटिव रिजल्ट टू फॉर केसेस इंटीग्रेट क्वांट आउटकम विद द क्वालिफाइंड, ये बेसिकली उसके सब पार्ट्स के दरमियान कहीं पे भी किसी भी स्टेज पे, उसमें तो पता ना पहले आएगा आखिर पे आएगा इकट्ठा आएगा, लेकिन यहाँ किसी भी फेज के ऊपर जो हम चीजों को लेके जा सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेटिव डिजाइन मैंने बोला ये वही इसी तरह क्वांटिटेटिव है, मतलब आप जो कह रहा है कि वो फेमिनिस्ट थ्योरी फ्रेमवर्क, इसमें क्या किया कि 41 उनको क्वेश्चन मेल किए और मल्टी वेरिएट एनालिसिस किया, सिलेक्ट सैंपल ऑफ वुमेन पार्टिसिपेंट डिजाइन एंड क्वेश्चन प्रोटोकॉल, हमने उसकी बेस पे हमने फेस डिजाइन किया कि जो डाटा आया इसको हम चेक करें, तो 12 लोगों के डेप्थ इंटरव्यू हुए, उनसे नैरेटिव नैरेटिव एनालिसिस हुआ उनके ऊपर, डिस्कस हुआ क्वांटिटेटिव आइडेंटिफाइड डिफरेंस एंड क्वांटिटेटिव है, तो ये वही एक्सप्लेनेटरी सीक्वेंशियल मिक्स मेथड डिजाइन है, लेकिन कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये डिजाइन ट्रांसफॉर्मेटिव पर्सपेक्टिव से इसमें पैराडाइम डिफरेंट है, तो इसमें इसमें सोच है सोसाइटी का प्रॉब्लम है, एक वो सोसाइटी जो अंडर रिप्रेजेंटेटेड है, स्ट्रेस मतलब जो कंप्रोमाइज मार्जिनाइज सोसाइटी उसको मसला हल करना, बस और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है दूसरों के लिए। उसके बाद एक मल्टी फेज डिजाइन 87 एट ऑल 2007,
इसमें वो बताया हुआ कि एग्जिस्टिंग थ्योरी एंड रिसर्च प्रपोज्ड मॉडल फॉर्मेटिव रिसर्च थ्योरी डेवलपमेंट मॉडिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट प्रोग्राम डेवलपमेंट थ्योरी टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट वैलिडेशन वैल्यूएशन रिसर्च थ्योरी डेवलपमेंट मॉडिफिकेशन इंस्ट्रूमेंट प्रोग्राम डेवलपमेंट ये सारी स्टेजेस आपकी साथ साथ चलती होती है। ये पूरा एक प्रोसीजर है भाई, एक लंबा प्रोसेस से गुजर रहे हैं। अभी छह महीने वाली होगा, छह माह वाली होगा, छह माह वाली होगा, छह माह, तो आप उसको कंटिन्यूसली करो सारे चीजों को लेकर। तो मल्टी फेज डिजाइन, तो मकसद हमारे डिजाइन दूसरे वाले देखने में ना, बाकी डिजाइन का करना चाहिए। सो एनीथिंग एल्स टिल नाउ शेयर विद मी। ओके जी, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा इन मिक्स मेथड रिसर्च। अब मिक्स मेथड भी सेम उसी तरीके का जिस तरह क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव है। अगर हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को फोकस देखेंगे, जरा क्विक व्यू दे, क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस कोड डेटा बाय असाइनिंग न्यूमेरिक वैल्यू, तो आप उसमें लाइकर्ट स्केल वगैरह यूज करते हैं, प्रिपेयर द डेटा फॉर एनालिसिस लाइक कंप्यूटर प्रोग्राम, क्लीन द डेटा सेट, डेटाबेस रिकॉर्ड और कंप्यूटर रिकॉर्ड और रिकॉर्ड न्यू वेरिएबल एस्टैब्लिश कोड बुक हियर ऑर्गेनाइज डॉक्यूमेंट व्यू डेटा ट्रांसक्राइबिंग डेटा प्रिपेयर द डेटा फॉर एनालिसिस विद आवर कंप्यूटर प्रोग्राम। Quantitative visual inspect data, conduct descriptive analysis, check the trend and distribution, assigning qualitative data to the data, write memos, develop qualitative codebook. Quantitative choose statistical test, analyze the data to answer the research questions, test hypothesis, report inferential test, effect sizes and confidence intervals, use quantitative statistical software for OGA. Assigning quantitative data, code the data, assign labels to text units, group code into themes or categories. Interlate themes or categories are abstract to smaller set of themes and use qualitative data analysis software program. Mean ke wahi baatein jo humne ki hai sari repeat ho rahi hai aapke dekhne mein, sum up ho rahi hai. Quantitative represents result in statement of results, provide results in table and figures. Qualitative represent finding in discussion of theme and categories, present visual model figures and tables. Quantitative data analysis explain how the result address the result questions or hypothesis, compare the result with the past literature, theory or prior explanation. Besides, qualitative assess how the research questions were answered, compare the finding with the literature, reflect on the personal meanings of the finding, state new questions. If we talk about validity, quantitative analysis use external standards, check validity and liability scores from past instrument use, जो भी क्रोनोमेरिकल पावर ऑफ वैलिडिटी के हैं, establish validity and liability of current data, assess the internal and external validity as well. Beside in qualitative, use researcher, participant or reviewer standards, use validation studies such as member checking and triangulation type qualitative use होती है, check for accuracy of the count, imply limited procedure for checking reliability. इसमें ज़्यादा procedure developed नहीं है, लेकिन फिर भी procedure limited है इसमें. But now if we move to mixed method research, mixed method analysis and interpretation with mixed method design, mixed method data analysis technique applied to quantitative and qualitative data and the mixing of design. वही same form जो हमने पहले भी repeat किया. Mixed method interpretation क्या है कि making an assessment of how the quantitative result and the qualitative finding address the mixed method question. कि वो जो क्वेश्चन है मिक्स मेथड को एड्रेस कैसे करते हैं, इन्फ्रेंस कैसे करेंगे, इन्फ्रेंस इन मिक्स मेथड सर, कंक्लूजन ड्रॉन फ्रॉम द सेपरेट क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्टैंड एंड अक्रॉस द टू स्टैंड्स। आपने क्वांटिटेटिव रिजल्ट क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्वालिटेटिव रिजल्ट क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, और दोनों मिलने के बाद आप उसकी फाइंडिंग को, उसकी एक्सप्लेनेशन को किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं वो स्टेप। ये वाली लाइन डाल दें तो फिर आपकी बेस बेहतर है। ओके, अब इसमें आता है कन्वर्जन डिजाइन, मल्टी डेटा एनालिसिस स्टेप टू कंपेयर रिजल्ट, मल्टी डेटा एनालिसिस स्टेप टू कंपेयर रिजल्ट। अब इसमें कन्वर्जन डिजाइन में डेटा एनालिसिस कैसे करेंगे, कलेक्ट द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा कॉन्करेंटली, हमने इकट्ठा लिया, independently analyze the quantitative and data qualitative and the qualitative data qualitatively, specify the dimension by which to compare the two data. हम दोनों को compare क्यों कर रहे हैं, ultimately कोई ना कोई reason होगी उसके दरमियान। उसके बाद specify the information to be compared, specify the information to be, अब हो सकता है कि उसमें 50% डेटा ना comparable हो, इसमें भी ना हो, जो compare हो सकता है उसको compare कर दे, जो नहीं हो सकता उसको आप separate discuss कर दे। अगर हम बात करते हैं कन्वर्जेंट डिजाइन बजेटर में,
complete refined analysis, represent the comparison, interpret how the comparison answers the quantitative qualitative mixed method research questions. ये तो converted design के point of view से. And how the two data sets will be compared, how the represent the combined analysis, whether further analysis needed, if there are discrepancies, ये address करने होते हैं जब आप उसकी conclusion में जाते हैं. अब ये जो पिछले डिजाइन था, ये था जब हम दोनों के रिजल्ट को कंपेयर करते हैं. लेकिन आज जो हमारा फोकस, जो अभी मैंने आप ब्रेक के बाद देखेंगे, वो है कन्वर्ट डिजाइन मल्टी डेटा एनालिसिस टाइप विद डेटा ट्रांसफॉर्मेशन. विद डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, हम डेटा को ट्रांसफॉर्म कैसे करते हैं हमने उस लिहाज से देखना. ओके, तो ये डेटा ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें क्वालिटेटिव डेटा को ट्रांसफॉर्म किया जाता है क्वांटिटेटिव डेटा में, जो मेन एक टेक्निक है, होंगी हम उस पर काम करेंगे, जो नॉवल टेक्निक जो हमने आज तक सुना, मैं कहता हूँ पाकिस्तान में किसी ने यूज ही नहीं की होगी, हम उसको कैसे करेंगे प्रैक्टिकली. जिसमें क्या कहता है, कलेक्ट द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव कॉन्करेंटली, इंडिपेंडेंट एनालाइज द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेटा, एंड जो भी है डिफाइन ए क्वांटिटाइज वेरिएबल बेस्ड ऑन द क्वालिटेटिव रिजल्ट एंड डेवलप स्कोरिंग रूब्रिक. क्या आपने क्या करना है, डिफाइन ए क्वांटिटी, आप देखिए क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हुए देखिए कौन सा वेरिएबल जिसको क्वांटिफाई किया जा सकता है, फिर उसका एक स्कोरिंग रूब्रिक बनाएं कि उसके अंदर स्कोर किस तरह होंगे, उसका मतलब क्या होगा, किस बिना पे हम उसके अंदर क्वांटिटेटिव डेटा एंटर करेंगे ना. आप एक वेरिएबल है ना, आज हम उसको देखते हैं कि स्कोरिंग रूब्रिक हम कैसे यूज करते हैं. फिर आप करेंगे सिस्टमैटिक स्कोर द क्वालिटेटिव रिजल्ट टू डिटरमाइन द क्वांटाइज वेरिएबल, एनालाइज द क्वांटिटेटिव इंक्लूडिंग द क्वांटाइज वेरिएबल क्वांटिटेटिवली, इंटरप्रेट हाउ द मर्ज रिजल्ट आंसर द क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव मिक्स मेथड. तो उसको करना है, लेकिन करना कैसे है वो सॉफ्टवेयर के अंदर होता है, वी विल डू इट. और डिसीजन जब दे रहे हैं इसमें हाउ टू क्वांटिफाई द क्वालिटेटिव डेटा, विच स्टैटिस्टिक टू यूज इन रिलेटिंग द टू डेटा सेट, किस स्ट्रेटजी को लेकर चलना है आप लोगों को, तो अल्टीमेटली जिस तरह के डाटा आउटकम होंगे उस बेस पर डिसाइड करेंगे. वैसे मेन डिफरेंस है सब इसको पता करते हैं. और एक्सप्लेनेटरी डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें फिर तो वो ही मेथड है, पहले क्वालिटेटिव है तो फिर क्वांटिटेटिव है तो क्वांटिटेटिव करें, एनालाइज करें, फिर उस रिजल्ट को इंटरप्रेट करना है ऑन द बेस ऑफ क्वांटिटेटिव, बाद में हमें क्वालिटेटिव एक्सप्लेन करना है, इसमें तो ऐसा इशू नहीं है. वो कलेक्ट क्वालिटेटिव डेटा फिर उसको एनालाइज करें, फिर दोनों को आपस में इंटीग्रेट करेंगे. आप डिसीजन है कि व्हाट पार्टिसिपेंट टू फॉलो विद एंड व्हाट रिजल्ट नीड टू बी एक्सप्लेन्ड एंड हाउ द क्वालिटी रिजल्ट एक्सप्लेन द क्वांटिटेटिव रिजल्ट्स. तो ये स्ट्रक्चर इस तरह इतना सिंपल है कि आप कहीं भी किसी भी सेटिंग पेज को प्लग कर सकते हैं. तमाम आप देखिए होंगे कि इसमें इन डेप्थ हर चीज की एक्सप्लेनेशन जो है वो आप समझ सकते हैं. एक्सप्लोरेटरी डिजाइन, आप इसमें अल्टीमेटली पहले क्वालिटेटिव होगा, उसके डेटा लेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, उसकी बिना पे इंस्ट्रूमेंट बनाना, पायलट टेस्टिंग वगैरह सारी करेंगे, फिर उसके बिना पे मेजर डेटा जो करेंगे, फिर उसको एनालिसिस करेंगे, फिर उसको पूरी एक्सप्लेनेशन देंगे, फिर बताएंगे कि किस तरीके से प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्वालिटेटिव से लेकर क्वांटिटेटिव से इंप्रूव की. डिसीजन देना तो व्हाट क्वालिटेटिव डेटा टू यूज द क्वांटिटेटिव फॉलो अप एंड हाउ बेस्ट टू असेस द साइकोमेट्रिक क्वालिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, हाउ द क्वांटिटेटिव विल बिल्ड एंड एक्सपेंड ऑन द क्वालिटेटिव. अगर एम्बेडेड डिजाइन की बात या मर्ज या कनेक्टेड डेटा एनालिसिस सेट की बात करें, एनालाइज प्राइमरी डेटा टू सेट द आंसर ऑफ प्राइमरी रिसर्च क्वेश्चन, पहले प्राइमरी पर फोकस करें, एनालाइज द सेकंड डेटा बाय यूजिंग मर्ज आर कनेक्टेड सेट, इंटरप्रेट हाउ द प्राइमरी सेकंड सेट आंसर द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव किस तरीके से हो सकते हैं. अगर डिसीजन देना है तो हाउ टू यूज द सेकंडरी डेटा सेट, व्हेन द सेकंड डेटा शुड बी इनकॉर्पोरेटेड, क्योंकि प्राइमरी तो मेन फोकस है और सेकेंडरी जो है वो आपने कब किस वक्त कहां क्यों इसके आंसर हमने इसमें दे रहे हैं. और ट्रांसफॉर्मेटिव डिजाइन में एनालाइज द क्वांटिटी क्वालिटेटिव बाय मर्जिंग एंड कनेक्टिंग, इंटरप्रेट हाउ द रिजल्ट आंसर द क्वांटिटी क्वालिटेटिव मिक्स मेथड, डिसीजन दे रहा है व्हिच एनालिसिस विल बेस्ट प्रोवाइड एविडेंस फॉर द ट्रांसफॉर्मेटिव लेंस, द डिसीजन दैट करस्पोंड टू द एप्रोप्रिएट मर्जिंग और कनेक्टिंग डेटा एनालिसिस प्रोसीजर एंड टू व्हाट एक्सटेंट द रिजल्ट अनकवर इनइक्वालिटीज एंड कॉल फॉर द चेंज. क्या आप लोग वो रिजल्ट फाइंडिंग क्या वो आंसर देते हैं कि नहीं. एंड मल्टीपल डिजाइन में जाते हैं तो एनालाइज द डेटा फॉर ईच प्रोजेक्ट ओवर अ प्रोग्राम हर एक का अलग एनालिसिस करना, इंप्लाई स्ट्रेटजीज फॉर मर्ज एंड कनेक्टिंग एनालिसिस एज द टाइमिंग ऑफ द प्रोजेक्ट डिक्टेट्स, इंटरप्रेट हाउ द रिजल्ट आंसर द प्रोजेक्ट रिसर्च क्वेश्चन एंड कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव. और ओवरऑल ऑब्जेक्टिव होता है जो आप उन लोगों को अचीव करना है. इट मीन आप देखें रिकॉर्डिंग के ऊपर हमें डिसीजन करनी है कितना टाइम लगा रिकॉर्डिंग पर. अब बात होने का हम अदालत के बाहर मामला हल कर लेते हैं रिकॉर्डिंग केस का, स्टडी हो रही है फायदे नुकसान कोस कॉन सोसाइटी कालाबाग डैम क्यों नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा है, कौन सा मुल्क नहीं चाहता है, सारी चीजें प्रोसेस में है ना. हम कहते हैं हुक्मरानों की नीयत खराब है, मैं फेवर पे गेस बात नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये कि इसके अंदर कुछ स्टडी रुकी हुई है, उसके अगर ऊपर दोबारा स्टडी की जाए तो हम लिटरेसी के तहत बात कर सकते हैं,
हम अपनी चार्टर की बनाए तो कहते कार्बन डैम बनना चाहिए, हो सकता है उसके नुकसान भी हो, लेकिन जनरली इसके फायदे हैं, खैर उसमें पॉलिटिकल पॉलिटिक्स निभाने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन कहने का मकसद यह है कि वो जो स्टडी उस वक्त हुई थी वो 6 माह 7 साल की स्टडी थी, वो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी जिसके बाद वो पूरा कॉन्क्रीट डिजाइन करेगा। Decision there the decision that correspond to the appropriate merging and connecting data analysis procedure, how to combine the data analysis from all project to test the research objective, to what extent does that advance program objective. Okay, now concrete approaches, my data analysis strategies, comparing results side by side comparison, hum log kehte kisa kare, compare side by side kare, qualitative ye karte hai, quantitative ye karte hai, ya merge data joint display, दोनों को इकट्ठा डिस्प्ले शो करते हैं हम लोग, एक उसकी ग्राफिक एंड डाटा ट्रांसफॉर्मेशन एनालिसिस, हमने पहले ये एनालिसिस किया और उसकी कमर्शियल कमेंट किया और उसके ऊपर भी एनालिसिस किया, मतलब वीवो में ग्राफ के साथ डाटा शो होता है उसके ऊपर हम टी स्टडी अप्लाई नहीं कर सकते, क्वान्टिटी में जाते हैं टी स्टडी अप्लाई कर। और अगर हम बात करते हैं इंटरप्रेट मर्ज एंड रिकनसाइलिंग डिफरेंस कंपेयर करते हैं लोग पार्टिसिपेंसीज के, उधर ये थे इधर ये थे, दोनों ये आपस में सिमिलरिटी हैं, ये आपस के अंदर इनका डिफरेंस है। इफ डिस्क्रिपेंसी आर फाउंड ऑप्शन इंक्लूड वैल्यूएट मेथड, आइडेंटिफाई लिमिटेशन, कलेक्ट एडिशनल डाटा, स्टेट न्यू डायरेक्शन फॉर इंक्वायरी एंड री एग्जामिन द एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस, कैसा चीजें क्यों आ रही हैं। अगर सिक्वेंशियल अप्रोच में जाते हैं कनेक्टिव डाटा एनालिसिस स्ट्रेटजी, यूज प्रोसीजर्स इन क्वांट फेज टू हेल्प गाइड पार्टिसिपेंट सिलेक्शन इन क्वाल फेज, बिकॉज मेजर फेज क्वांटिटेटिव है, क्वालिटी में लेके जाए, टिपिकल स्कोर ऑफ डिफरेंस हब्स ऑफ ग्रुप, आउटलायर स्कोर, सिग्निफिकेंट ग्रुप डिफरेंस, सिग्निफिकेंट प्रेडिक्टर, जो मैंने बात की, जब आप डेटा एनालिसिस करते हैं तो हम क्यों अप्रोच या सीक्वेंशियल की तरफ जाते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि उसमें कुछ सब ग्रुप में कुछ चेंज है, आउटलायर पाया जाता है, सिग्निफिकेंट ग्रुप डिफरेंस आ गए नहीं जो कि अनएक्सपेक्टेड था, या सिग्निफिकेंट एक ऐसा प्रेडिक्टर जो बहुत ज्यादा वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा है, बहुत ज्यादा वेरिएंस एक्सप्लेन कर रहा है, उसके बिना के हम डाटा जाके कलेक्ट करते हैं मिक्स फैक्टर के ऊपर। और अगर प्रोसीजर हमारा क्वाल हो रहा है तो फिर हम टोपोलॉजी की तरफ चले जाते हैं, टोपोलॉजी में हम उसको क्लास वेरीफाई करते हैं, लुक फॉर नेचुरल डिफरेंस इन रिस्पॉन्सेज, पे अटेंशन टू पार्टिसिपेंट लैंग्वेज, आइडेंटिफाई कोर स्कोर थीम डिजाइन आइटम वेरिएबल स्केल, यूज प्रोसीजर क्वाल फेज टू बेस्ट इनहांस द डाटा डिजाइन बाय डेवलपिंग मोर इंटरवेंशन एंड प्लानिंग द नेक्स्ट प्रोजेक्ट फेज, का आपने किस तरीके से चीजों को आपस में लिंक करना। मेक इंटरप्रिटेशन आफ्टर ईच फेज एंड draw meta interfaces at the end of main design. अब ये बात basically जो critical कह रहा है, ये multi-phase की तरह है कि हर phase के अलग अलग करें, और जब भी आप लोगों ने multi-phase को काम करें दोनों के interconnection आपस में जरूर explain करें किस तरीके से, ultimately एक phase से दूसरा phase merge होता है। जब हम embedded design की बात करते हैं या हम multi-phase की बात करते हैं तो theory में से चीजें merge हो रही होती हैं, तो फिर इसका मतलब दोनों का आपस में link होना जरूरी है। Validation and mixed method design. वैलिडेशन बड़ा मेन क्वेश्चन होता है कि क्या ये वैलिड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, तो एड्रेस वैलिडिटी फॉर बोथ द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव स्टैंड, बी वेयर ऑफ डिफरेंट टर्म्स यूज, कंसीडर वैलिडिटी इन मिक्स्ड मेथड रिसर्च, कि आप लोगों ने कहा एड्रेस वैलिडिटी फॉर बोथ, वो दोनों का अपने वैलिडिटी की जो मेजर है वो यूज करें, बी वेयर ऑफ डिफरेंट टर्म्स यूज, तो कंसीडर वैलिडिटी इन मिक्स्ड मेथड रिसर्च इसमें भी करनी है, लेकिन इसकी अपनी वैलिडिटी नहीं बनेगी बल्कि उन दोनों की वैलिडिटी मिलकर मिक्स्ड मेथड की वैलिडिटी जो है वो बनेगी। डेटा कलेक्शन इश्यूज, कैसा सिलेक्टिंग इनअप्रोप्रिएट पार्टिसिपेंट यूजिंग अनइक्वल सैंपल साइज, इंट्रोड्यूसिंग बायस, कलेक्टिंग डेटा दैट एड्रेस डिफरेंट टॉपिक्स, तो ये आपके लिए मिसाल पर है जो थ्रेट है आपकी वैलिडिटी को मिक्स मैटर को कलेक्ट करते हो, तब इन चीजों को आप ध्यान में रखिए। और डेटा एनालिसिस के इश्यूज में क्या है, इनएडिक्वेट कन्वर्जिंग द डेटा, मेकिंग इललॉजिकल कंपैरिजन, यूटिलाइजिंग इनएडिक्वेट डेटा ट्रांसफॉर्मेशन अप्रोचेस, यूटिलाइजिंग इनअप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिक्स फॉर क्वांटिटाइज्ड। इंटरप्रिटेशन इशू क्या आ सकते हैं अगर वैलिडिटी थ्रेस्ट में, तो नॉट रिजॉल्विंग डाइवर्जेंट फाइंडिंग, नॉट डिस्कसिंग द मिक्स्ड मेथड रिसर्च क्वेश्चन, गिविंग मोर वेट टू वन फॉर्म ऑफ डेटा, नॉट इंटरप्रेट रिजल्ट इन द लाइट ऑफ क्रिटिकल लेंस, नॉट रेटिंग द प्रोजेक्ट इन ए मल्टीफेज डिजाइन, इन रिकनसाइलेबल डिफरेंस अमंग टीम मेंबर्स, जिसका मतलब क्या होता है कि आप अच्छी फाइंडिंग करनी मौजूद है तो फिर भी आप मिक्स मेथड को अप्लाई करने में नाकाम हो जाए। डेटा कलेक्शन इशूज में क्या होंगे अगर कलेक्टिंग डेटा में, selecting inappropriate participant, using inappropriate sample size, choosing inadequate person for the follow-up, not designing an instrument with sound psychometric properties, data analysis instrument, choosing weak qualitative result to follow up on qualitative,
choosing weak quantities are to build on quantitative embedded secondary data without a clear intent. Interpretation should be combining the two data sets when they are intended to connect, interpreting the data sets in reverse sequence, not taking full advantage of before or after finding from the supplement data. Now interpreting the result in the light of a critical lens, not relating the projects in a multi-phase design, irreconcilable differences among the team members. ये सारी बातें आपके पास आपस में काम है कि आपकी फाइंडिंग जब जरूर नहीं देती, आपस के टीम मेंबर आपस में मिलते नहीं हैं, आपका सैंपल साइज इफेक्टिव नहीं है, आपकी क्रिटिकल लेंस लेट नहीं चलते, तो आपका फिर मिक्स मैसेज यूज करने का कोई पर्पज नहीं बनता, तो आपने इसके ऊपर चीजों को लेकर चलना। अगर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के वाले से बात की जाए तो क्वान्टिटी एंड क्वालिटी अल्टीमेटली अवेलेबल हम जिन पर काम कर रहे हैं, सम पैकिंग ग्रुप फीचर दैट फैसिलिटेट मिक्स मैथड एनालिसिस। इसका ना स्पेसिस का है SPSS text analytics, SPSS text analytics, वो थोड़ा सा क्वालिटेटिव डेटा को क्वांटिटेटिव कन्वर्ट करके एनालिसिस करने की कोशिश करता है, बट दैट इज नॉट वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। अनुभव को हम मैं अपने एक्सपीरियंस पे जो आज रखा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस पे बेस करूँ किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करते हैं उसको देखेंगे। एंड कंसीडर द यूज ऑफ जॉइंट डिस्प्ले टू रिप्रेजेंट आउटपुट फ्रॉम डिफरेंट डेटा। आपको जो मेन फोकस है कि दोनों आउटपुट को पता हो कि दोनों आउटपुट शो करने से हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ जॉइंट डिस्प्ले फॉर इमर्जिंग एनालिसिस, जो मर्ज करते हैं कन्वर्जेंट डिजाइन है इसे कैसे एनालिसिस शो किया गया अगर कन्वर्जेंट डिजाइन है, तो क्वांटिटेटिव रिजल्ट प्लेस साइड बाय साइड विद क्वालिटेटिव थिंग एंड क्वालिटेटिव थिंग कंबाइंड विद क्वांटिटेटिव डेटा अवेलेबल। क्वालिटेटिव थिंग रिलेटेड टू क्वांटिटेटिव रिलेटिव फॉर ट्रांसफॉर्मिंग क्वालिटेटिव डेटा टू क्वालिटेटिव, जिस तरह वो रिलेट करेंगे उसी तरीके से हमें चीजों को आपस में शो करना है। फर्स्ट फेज सेकंड फेज अगर दोनों बैठे हैं दोनों को फेज को हम लेके जा सकते हैं आपस में। एक्सप्लोरेटरी डिजाइन की अगर बात करेंगे हम, the quantity result like link to participant purposefully and selected for the follow qualitative theme link to qualitative result for the purpose of explanation. to wahan pe jo hamara previous design was convergent the to usme humne convergent dono ko leke chalna hai, lekin yahan pe jab explanatory mein aana fir jab qualitative mein qualitative result karenge quantitative, jab mix ki baat aayi fir jo jo cheeze aapas mein join karti hai wo hum display pe show karenge। और एक्सप्लोरेटरी में अल्टीमेटली आप पहले क्वालिटेटिव की बात कर लेते हैं फिर क्वालिटेटिव में, तो इसमें भी वही फेज है लेकिन मकसद से ये कि आपने रिजल्ट क्यों करते हैं एक्सप्लोरेटरी सर, कि आपने जो क्वालिटेटिव रिसर्च कनेक्ट की है उसको जनरलाइज करना क्वांटिटेटिव, आपने जो रिसर्च कनेक्ट की है क्वालिटेटिव में उसको जनरलाइज करना क्वांटिटेटिव में, तो उसको भी उस तरीके से ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। दोनों में जो मिलती होंगी चीजों को उनका सिमिलर शो करेंगे, जो नहीं मिलती होंगी उनका अलग अलग एनालिसिस करेंगे। आप जब आते हैं एम्बेडेड डिजाइन में तो उसमें कैसे डिस्प्ले देना कहता है, बिफोर कनेक्टिंग द एनालिसिस क्वालिटेटिव थीम लिंक टू द रिक्रूटमेंट स्ट्रेटजीज, क्वालिटेटिव थीम लिंक टू द इंटरवेंशन एक्टिविटीज, जिस तरीके से लिंक करेंगे। जब ड्यूरिंग मर्जिंग एनालिसिस होगा तो थीम्स अबाउट द प्रोसेस कंपेयर द आउटकम थीम्स कंपेयर विद द सीन, मतलब जहां पे वो सेपरेट है वहां सेपरेट डिस्कस करेंगे, जहां पे वो इकट्ठे हैं वहां पे हम लोग भी इकट्ठा आपस में डिस्कस करेंगे। और आफ्टर कनेक्टिंग द एनालिसिस स्टैटिस्टिकल रिजल्ट लिंक टू द फॉलो अप थीम, के हमारे वहां भी ये रिजल्ट आए थे उनका तो अलग स्टैटिस्टिक्स था, ये बनता है वहां पे वो ये चीजें फैक्टर आती है, मतलब वीवो तो ये बता सकता है ना आपको कि ये फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फैक्टर कम इंपॉर्टेंट है, इस पे लोगों ने ज्यादा बात इस पर काम किया। स्टैटिस्टिक एक रहेगी कि ये जो लोगों ने बात की क्या ये स्टैटिस्टिकली आपस में एसोसिएटेड है कि नहीं एसोसिएटेड, अगर तो आपस में रिलेटेड शो कर देंगे, अगर आपस में एसोसिएटेड नहीं है हम उनको सेपरेट शो कर देंगे। ओके, और अगर हम ट्रांसफॉर्मेटिव डिजाइन में या मल्टीफेज डिजाइन की बात करें तो ट्रांसफॉर्मेटिव डिजाइन के कॉल फॉर एक्शन रिलेटेड टू क्वांटिटी स्टैटिस्टिक्स रिजल्ट एंड क्वालिटेटिव थीम रिजल्ट्स, ट्रांसफॉर्मेटिव में उसी तरह शो करेंगे जैसा एक्सप्लेनेटरी, पर मल्टीफेज डिजाइन के थीम एंड क्वांटिटी रिजल्ट अक्रॉस टाइम एंड स्टेज, जिस तरह आप लोगों ने जिस तरह टाइम में आपको उसी तरह बता देना कि ये थीम मर्ज हुआ ये हमने टेस्ट किया वहां से, ये थीम मर्ज हुआ ये टेस्ट किया वहां, ये थीम मर्ज हुआ वहां भी टेस्ट किया। क्लियर, तो ये हमारा डिस्कशन पोर्शन था जिसको हमने डिस्कस किया, जितना भी मिक्स मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डेफिनेशन, इसकी हिस्ट्री, इसकी फाउंडेशन, इसकी टाइप्स, इसके मेथड, इसके प्रोज कॉन्स, स्ट्रेंथ वीकनेस, इसकी नोशन सिस्टम, इसका प्रोसीजर डायग्राम, इसके अंदर डाटा एनालिसिस, इसमें कौन कौन सा डाटा एनालिसिस है, कि जॉइंट डिस्प्ले डाटा कनेक्शन किस तरह शो करना है, तो दिस इज द होल जो आज हमारा ये वर्कशॉप का जो पहला फेज मुकम्मल हो रहा है, कि हमने होल बता दिया कि किस तरीके से मिक्स मैथड है, किस तरह होती है, किस तरीके से चीज़ें होती है। तो कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ आस्क।